नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम सभी किसान भाइयों को। ग्रीन क्रांति पॉपुलर प्लांट कंपनी है और आप सभी लोग देख रहे हैं एक नई वीडियो के साथ में। हम आपके साथ में जुड़ चुके हैं और आज उस प्रचलित गांव के अंदर हैं जहां पर पॉपुलर की भरमार है। और यूपी जिला सहारनपुर का ये सबसे बड़ा गांव है, पॉपुलर के खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। गाँव का नाम है नन्हेड़ा गुज्जर। आप सभी लोग इस गांव के बारे में जानते होंगे। नन्हेड़ा गुज्जर में कम से कम 30-40 सालों से पॉपुलर की भरमार खेती की जाती है और यहां पर तमाम किस्म की वैरायटी और तमाम किस्म के पॉपुलर के पेड़ यहां पर लगाए जाते हैं। आज हम आए हैं, हमने भी यहां पर कुछ हमारे जो किसान हैं ग्रीन क्रांति बायोटेक पॉपुलर कंपनी से जुड़े हुए, और ये किसान लगातार हमारे संपर्क में है और हमारे से पॉपुलर की पौध लेते हैं और खेती करते हैं। और आज इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार की वैरायटीज़ है और किस प्रकार से आप पेड़ को लगाते हैं, क्या क्या इसमें रोग आता है। और एक और बात किसान भाइयों की, आपको ये भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कितने बाई कितने पे आपको प्लांटेशन करनी चाहिए। आज बहुत ही प्रचलित एक हस्ती के साथ में हम खड़े हैं, विनोद कुमार जी, दरोगा जी के नाम से जाने जाते हैं गांव बस्ती के जो आसपास के गांव हैं इनमें, और काफ़ी शौक़ रखते हैं पॉपुलर का और काफ़ी दिनों से हमारे साथ में जुड़े हैं। और पिछले साल भी पेड़ इन्होंने हमारा लगाया, आज उसका ही सर्वे करने के लिए आए थे। 12 इंची का पेड़ दिखाना, 12 इंची का पेड़ इसमें हो रहा है और नीचे से ये 15-15.5 इंची का पेड़ है। और हाइट आप देख सकते हो कि पेड़ की हाइट कितनी है और काफ़ी बड़ी हाइट लेकर के बहुत छोटे छोटे टहनियाँ पेड़ के ऊपर बनती है। हर वीडियो में हम आपको ये चीज़ बताते हैं। और हमारा आपसे ये वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि आपको ये पता लग सके कि कौन सी वैरायटी किस खेत में हमें लगानी चाहिए। तो साथियों, आप सभी लोग हमारे साथ में बने रहें, किसान भाई हमारे साथ में बने रहे, और अगर हमारे से वो पॉपुलर की पौध लेना चाहते हैं या पॉपुलर का पेड़ लेना चाहते हैं तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और आज जो हमारे साथ में जो किसान जुड़े हैं, विनोद कुमार जी, हम इनसे भी बात करेंगे, ये पहले भी पॉपुलर लगाते थे और अब भी पॉपुलर लगाते हैं, तो क्या अंतर आया है ग्रीन क्रांति और अन्य कंपनियों में, तो आज बात करेंगे। जी नमस्कार, पहले तो सभी भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहते हैं। और जो ग्रीन क्रांति है, ये मैंने पहली बार इसका रिजल्ट लिया था, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये आपके सामने है, जड़ से जो है 15 इंची पेड़ हो रहा है और जो फिलहाल 3-4 फीट की ऊंचाई से 12 इंच का पेड़ हो रहा है। ये पेड़ जो पहले जो पेड़ लगाते थे वो हम विमको का पेड़ लगाते थे, विमको से टक्कर दे रही है कंपनी। तो विमको से बेहतर है या सर कैसा चल रहा है? विमको से बेहतर रिजल्ट है इसका, बहुत बेहतर है। जो मेरे पास विमको के भी पेड़ हैं, मैं आए साल पेड़ लगाता हूँ, मैं विमको के भी पेड़ दिखाना चाहूँगा आपको, अगर भाई साहब की इच्छा होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ग्रीन क्रांति ने विमको फैल कर दी, रेट में भी और क्वालिटी में। तो मैं तो यही कहूँगा, एक बार सेवा का मौका दे क्रांति से भी। और अच्छा पेड़ है आपके सामने है, कोई बीमारी नहीं है, टहनी देख लो ऊपर तक, कोई टहनी चमके, कोई टहनी नहीं है, कोई दाएं बाएं के बिल्कुल साफ सुथरा पेड़ चल रहा है। इसे 12-14 पर लगाए पेड़, बड़ी अच्छी ग्रोथ देगा, अच्छी ग्रोथ। अच्छा, कुछ किसान भाई 12x12 पे भी लगाते हैं, कुछ किसान भाई 14x14 भी लगाते हैं, वो तो बेस्ट कौन सी प्लांटेशन रहती है लगाने के लिए? बेस्ट तो देखो अपनी सुविधा के हिसाब से है, लगा रहे लोग बाग आजकल 12-14 पे लगाएं तो इसमें ना ऐसा है, हम बाद में घुस वगैरह की ट्रोलियाँ वरोलियाँ निकाल लें उसमें हमें आसानी रहती है। तो इसमें कितने राउंड ट्रैक्टर निकल जाता है? इसमें 7 फुट के, अगर 6 फुट रूटर है अपने पास तो आराम से 2 फेरे हैं, इधर से भी और इधर से भी, जो ये वाली जगह निकल जाएगा। जी। तो इसमें ज़्यादा जैसे कि, और अच्छा एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, तो सभी किसान भाई के ये रिक्वेस्ट पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जानना चाहते हैं कि भाई हमें जैसे नर्सरी 2 साल की हो जाती है तो उसके बाद बुवाई किस चीज़ से करानी चाहिए, उसकी बांगा किस चीज़ से करानी चाहिए? देखो रूटर से कराओगे तो अच्छा है जी, हैरो टीलर से, टीलर क्या होता है इसकी पैल जो होती है जी, वो अंदर से सारी बाहर निकल आ रही है, तो फिर ग्रोथ कैसे करें? जो जड़े होती हैं जो शोते होती है। जी। अच्छा, तो वो ग्रोथ कैसे कर पाएगा जब अंदर से इसकी
सारी पहले ही बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, वो कट जाती है, मतलब रूट रहते हैं, रूट ऊपर ऊपर को फिरता है, वो पैल पे कोई खास असर नहीं डालते। तो उससे अगर वो कट जाते तो पेड़ ग्रोथ करना बंद कर देता है कुछ दिन के लिए, तो उससे ग्रोथ रुक जाती है पेड़ की। तो किसान भाई, ये बहुत बड़ी जानकारी है आपको, आप लोगों तक हमने अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और पिछले 15 साल से जब से हम पेड़ की खेती कर रहे हैं पॉपुलर की, जब से हमने तो बिल्कुल टिलर खेत में बाड़ा है, टिलर नहीं लगाया, केवल रोटर से खेती करते हैं। हालांकि ताकतवर हैरो टिलर से बुआई की जमीन की ताकत बनती है, लेकिन मजबूरी है हमारी, हम रोटर से ही। अच्छा, आप खेती मतलब आप खेती सिर्फ पॉपुलर की करते हैं ना कि दूसरी, मतलब दूसरी का आपकी कोई ये नहीं होती कि अभिलाषा की हमें ये ज्यादा। हमारा एक किस्म से रुंगा है। अच्छा, रुंगा मैन है जो हमारा ये है, जी पॉपुलर, जी 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 मैन पॉपुलर की खेती है। बहुत बढ़िया, देखो आप सभी लोगों को बहुत सी जानकारी मिली भी है, और जितनी भी अगर आपको कोई चीज़ पॉपुलर के बारे में पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको इन चीज़ों की जानकारी चाहिए। तो हम जी सर बोलना चाहूँगा, इसे 3 साल तक पेड़ को बिल्कुल ना छेड़ो, जंगाई नहीं करनी चाहिए। 3 साल के बाद इसे जो है इसकी थोड़ी बहुत ही डालनी जो है वो था। इसके मैं आपको बता दूँ, जो भी वैरायटी है इसकी, इसकी जगह इसकी तो 4 से 5 साल भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि टहनियाँ कहाँ तक है। इसकी टहनियाँ आप देख सकते हो, दिखाना जरा आपको, इसकी टहनियाँ देख सकते हो कि इसकी टहनियाँ ईंख से बाहर जा करके फूटी है, ईंख के अंदर नहीं फूटी। तो ये बहुत बड़ी एक इस वैरायटी में अच्छी वैरायटी में ये बहुत बड़ी सफलता भी है, और बहुत बड़ा इसका एक ये भी है कि एक और चीज़ मैं आपसे पता करना चाहूँगा सर, कि जिस प्रकार से वो पहले बर्मा रोग आता था या अन्य रोग पॉपुलर में बहुत सारे लोग रोग आने लगे थे, तो इस वैरायटी में क्या आते हैं? देखो इस वैरायटी में फिलहाल तो कोई बर्मा रोग नहीं है, 9 में 10 में फिलहाल कम हो गया, जो पहले 48 था, A48 में बीमारी अक्सर थी, उसमें बर्मा लगता था, बर्मा ज़्यादा था। हाँ जी जी, और विमको में भी है, 9-10 में भी कहीं कहीं बर्मा है, लेकिन आपकी ग्रीन क्रांति है जो आपकी है पिछले साल लगाई हमने यूज किया, इसमें कोई बर्मा नहीं, इसमें कोई बर्मा नहीं है। तो सभी किसान भाइयों को ये सुना भी होगा आपने कि इस वैरायटी में कोई रोग नहीं आता। एक्चुअल में हम क्लोन, जो न्यू क्लोन वैरायटी है उसमें हम पोलोथीन में तैयार करते हैं, और जो भी रोगी पेड़ होता है उसको बाहर निकाल के हम छटाई कर देते हैं, इसीलिए हमारी वैरायटी में कोई रोग नहीं आता। क्योंकि जिस वैरायटी में रोग आएगा वो शुरू से ही नर्सरी में होगा, और वो आगे चल के भी अन्य पेड़ों को भी ख़राब कर देगा। तो हम ये हमेशा हमारा प्रयत्न रहता है कि हम आपको बेहतर से बेहतर प्रदान करने की कोशिश करें, और वो कर भी रहे हैं। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम।